गाइस वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आप लोगों का वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल टिप्स टेक्निकल गन में। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में जो बेल आइकन उसे ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। सो गाइस आप भी चाहते होंगे कि हमें भी एक सही पे की आईडी चाहिए, क्योंकि गाइस सही पे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अर्निंग करने का, और गाइस उसमें बहुत ही अच्छी सर्विसेज हैं, और गाइस सारी सर्विस एज अ प्रॉपरली वर्क भी करता है। लेकिन गाइस कभी कभार ऐसा होता है कि इसमें कोई सर्विस आपको एक्टिवेट मिलती है और कोई नहीं। सो गाइस इस डिटेल में फुल्ली हम आपसे बात करेंगे। सो गाइस प्लीज वीडियो की स्किप या पॉज ना करना, वरना आपसे छोटी बड़ी जानकारी छूट सकती है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहां पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे सही पे की वेबसाइट पे आ चुका हूं, sahipay.com की। सो गाइस यहां पे सर्विसेज तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सो गाइस आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसमें जो पीजी सर्विस जो हमको मिलती है वो एक्टिवेट होती है असल में या नहीं होती है, और गाइस जिनसे हम आईडी लेते हैं वो हमारा एक्टिवेट क्यों नहीं करते हैं। सो गाइस ये पूरी बात मैं पूरी डिटेल आप इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। सो गाइस प्लीज़ वीडियो को इसकी भी आप पोस्ट ना करें, क्योंकि गाइस वीडियो बनने वाली थोड़ी छोटी। सो गाइस यहां पे देख सकते हैं, यहां पे जो सर्विस की बात करें तो गाइस यहां पे रिसेंटली बहुत टाइम, मतलब वैसे रिसेंटली कहा जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि गाइस यहां पे इनका एक माइक्रो मतलब एम डिवाइस है, यहां पे एम पोस्ट जो यहां पे लॉन्च किया गया था। और गाइस यहां पे आप देख सकते हैं स्लिप, एंड यहां पे जो है अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तो वो भी वायरलेस जो है एक्टिवेट हो जाता है, और वायरलेस जो है ट्रांजेक्शन कर देता है 2000 का। और गाइस यहां पे आप फिंगरप्रिंट, और गाइस यहां पे आप स्लिप भी प्रिंट कर पाएंगे, और गाइस इसमें आप जो है KYC भी कर पाएंगे। सो गाइस यहां पे बात करें सर्विसेज की, तो गाइस देख सकते हैं यहां पे पेमेंट थ्रू बैंकिंग कार्ड, एक्सेप्ट पेमेंट इंस्टेंट पेमेंट बाय UPI, और गाइस यहां पे देख सकते हैं मेक पेमेंट बाय स्कैनिंग QR कोड, एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू आधार, और गाइस देख सकते हैं एक्सेप्टिंग पेमेंट यहां पे थ्रू NFC, और गाइस यहां पे देख सकते हैं मनी ट्रांसफ़र, यहां पे इनवेलिंग कैश विड्रॉल, और गाइस यहां पे बहुत सारी सर्विसेज हैं। यहां पे देख सकते हैं आप क्विक बैंक ट्रांसफ़र, और यहां पे बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, आधार सीडिंग, फंड, यहां पे म्यूचुअल फंड सर्विस भी आपको देखने को मिलता है। गाइस यहां पे बात करें प्रोवाइडिंग सर्विसेज की, तो गाइस देख सकते हैं यहां पे DTH मोबाइल रिचार्ज वगैरह आपको देखने को मिलता है, यूटिलिटी बिल पेमेंट, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट, और गाइस यहां पे देख सकते हैं ई गवर्नमेंट सर्विसेज, और गाइस यहां पे असिस्टेड ई कॉमर्स। सो गाइस यहां पे देख सकते हैं सर्विसेज बहुत सारी हैं। सो गाइस सिंपली हम जो है लॉगिन करते हैं और बताते हैं इसमें जो है ऐड मनी क्यों नहीं होता और होता है या नहीं होता। सो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं मैंने अपने एक रिटेलर की आईडी लॉगिन कर रखी है, और गाइस ये इसका पोर्टल है, और गाइस इसमें जो है सारी सर्विस इस आईडी को मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। और गाइस इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे अकाउंट में यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड मनी का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, एक आपको सेटलमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ देख सकते हैं सेटलमेंट, और दूसरा आपको ऐड मनी का। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे ऐड मनी पे क्लिक कर रहा हूँ, तो गाइस यहाँ पे जिनका एक्टिवेट नहीं होता ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं आता है, और गाइस जिनका एक्टिवेट नहीं होता है एज अ फेल्ड यहाँ पे दिखाता है। सो गाइस यहाँ पे मैं एक और प्रूफ आपको दे देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 100 rupees यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, और गाइस यहाँ पे मैं UPI यहाँ पे क्लिक करूँगा, और गाइस यहाँ पे QR जनरेट करूँगा, एज अ रिक्वेस्ट मैं सेंड करूँगा। सो गाइस यहाँ पे 100% वर्क कर रहा है ये, और गाइस यहाँ पे ऑनलाइन से भी आप ट्रांजेक्शन ले सकते हैं, व आप ऑफलाइन के भी ट्रांजेक्शन आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। सो गाइस ये छोटी सी अपडेट आप लोगों को देनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच रहे। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी लेकर आऊँगा फिर से एक नया वीडियो।